नासिर एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। कैपिटल टीवी की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में इफ्तार करने के बाद एक बार फिर से हम वापस आए हैं और यकीनन आपने भी अच्छा सा इफ्तार किया होगा। लेकिन इफ्तार करते वक्त अपनी सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि मौसम भी खासा गर्म है, तो फ्राइड जो और आज आपने तो इफ्तारी काफ़ी ज़्यादा हैवी की है मेरे ख्याल नहीं इतनी ज़्यादा भी नहीं की जितनी आपने की है। खैर हम नासिर जिस तरह से पहले इफ्तार से पहले बात कर रहे थे, जो हमारा आज का टॉपिक था गीबत, चूँकि वक्त की थोड़ी कमी थी इसलिए हम उस पर तफसीलन गुफ्तगू नहीं कर सके। कल भी हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अशरा रहमत की कुछ बात आयाज अगर हम कर लें, पहला अशरा है और अल्लाह ताला इस अशरे के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के साथ ख़ास कर लेता है। तो इस अशरे में रहमतों का नुज़ूल होता है। हमें अहतमाम करने के साथ साथ सहर और इफ्तार के अहतमाम के साथ साथ जो इस अशरे की ख़ास इबादात हैं उनका भी ख्याल करना है ताकि जो रमज़ान का असल मकसद है वो मकसद हम हासिल कर पाएं। बिल्कुल, इसके साथ साथ समीना हमारे साथ नात खान भी मौजूद हैं। जिस तरह हम इफ्तार पे जाने से पहले भी हमने इनसे हम भी सुनी, नात भी सुनी, सैयद अंस रबी कादरी बहुत खूबसूरत मेरे आका के सरा खान हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में पढ़ते हैं। आपने ब्रेक पर जाने से पहले इनकी नातें भी सुनी हैं, अभी फिर मैं उनके जाने बढ़ना चाहूँगा और उसी तरह अपने मखसूस अंदाज में उनको बुलाऊँगा कि जमजमों को सरो तस्नीम नहीं लिख सकता, जमजमों को सरो तस्नीम नहीं लिख सकता, मैं आका आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। तो बिला ताखीर बढ़ेंगे सैयद अंस रबी कादरी की जानिब। अंस, अभी मैं चाहूँगा कि अगर आप पी नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का कलाम हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें तो पेश करता हूँ। एक मैं ही नहीं पर से तो जाना है।
और महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर, महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया अंस रवि कादरी साहब, आपने बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो जाता है, आपसे कल इफ्तार में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।